बक्सा की ओर से मध्य प्रदेश जो कि छत्तीसगढ़ के कोर्ट में पहला रेड करते हुए रेडर जो कि अपने टीम के लिए शानदार रेड करते हैं। बक्सा की ओर से देखना होगा, खाता खोलना बाकी है दोनों ही टीम को। बक्सा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर आ गए टीम कप्तान। बिल्कुल ये देखिए जर्सी नंबर 1 अपने टीम के लिए खाता खोलना बाकी है। विजय टीम निंगड़ी और यहाँ देखिए बिल्कुल शानदार बोनस लेने का प्रयास यहाँ किया है, पर देखना होगा रेफरी है उसके लिए कोई बोनस नहीं बोनस का कोई मौका नहीं यहाँ। अब यहाँ देखना होगा छत्तीसगढ़ क्या करते हैं। छत्तीसगढ़ के कोर्ट में यहाँ रेड करते हुए जर्सी नंबर 2 जो की बक्सा के और से बढ़िया रेड करते हैं रेडर। खाली हाथ वापस होंगे ऐसा लग रहा है, बोनस से हाँ उन्हें दुदाई का मौका छत्तीसगढ़ को नहीं। सेकेंड रेड है, अब यहाँ एक अवसर मौका मिलेगा दोनों ही टीम को दुदाई का। बोनस से हाँ ऑन है छत्तीसगढ़ चाहेगा और यहाँ देखना होगा डुबकी तो लगाया है। शानदार टैकल मध्य प्रदेश की ओर से, शानदार यहाँ अपजाई करते हुए हमारे दर्शक ताली बजाते हुए खिलाड़ियों का दुदाई। अब यहाँ मुसीबत है यहाँ भक्सा के लिए मध्य प्रदेश के लिए 0 नंबर 1 जो कि अपने टीम के लिए रेड करते हैं रेडर। राइट से लेफ्ट यहाँ रेड करते हैं और यहाँ देखना होगा खाता खोलना बाकी है अभी भी। चेपर आनी छत्तीसगढ़ को 1 अंक से अभी खाता खुलता हुआ, भक्सा को बिना अंक के वापस नहीं आएंगे। यहाँ रेडर बाहर जाना होगा, प्रो कबड्डी है अंतरराष्ट्रीय नियम है और जबरदस्ती में जो उनके डिफेंडर को बुला लिए जबकि पूरा 30 सेकंड खेलना था उनको पॉइंट का तलाश करना था। बोनस यहाँ ऑन है, बोनस का पूरा तैयारी करते हुए रेडर यहाँ बिल्कुल करते हैं राइट लेफ्ट और नोट कमाने के प्रयास रेडर। देखना होगा क्या करते हैं सतीश और यहाँ पंच किया है बैक पंच और यहाँ साबित होता हुआ सतीश जो कि शानदार यहाँ पंच किया है बैक किक यहाँ किया है छत्तीसगढ़ की ओर से और यहाँ शानदार टैकल 1 अंक और मिलेगा यहाँ टेपर आने छत्तीसगढ़ को। थोड़ा सा अब यहाँ खुद बहुत होता हुआ दर्शकों का 7 नंबर जर्सी छत्तीसगढ़ की ओर से जितने दूर से चलकर अपने कला तो पेश करेंगे छोड़ेंगे और यहाँ हैंड टच करने का प्रयास यहाँ 4 डिफेंडर कोर्ट में और यहाँ काफी अंदर गए। अब यहाँ देखना होगा बाहर तो गया है, एक एक बाहर जाएंगे निश्चित है क्योंकि हमारे दादा प्रवीण हट्टे कट्टे खिलाड़ी है भाई धनवासी के परस्ते परिवार से जाने जाते हैं, प्रस्ते प्रदर्श के नाम से खेलते हैं धनवासी खिलाड़ी और यहाँ देखे लंबे कट के खिलाड़ी चेपरानी की ओर से 2-4-1/2 तो छत्तीसगढ़ 2 अंक से अभी भी आगे धीरे धीरे और यहाँ देखे शानदार टैकल 1 अंक और मिलता हुआ यहाँ छत्तीसगढ़ को 2-5। इसके बाद जो भी मैच होंगे गणपत सांडी अवगत कराएंगे। सुपर टैकल यहाँ ऑन है 3 डिफेंडर कोर्ट में 0 नंबर 1 अपने टीम के लिए शानदार रेड करते हैं लंबे कट के खिलाड़ी। अब देखना होगा बिल्कुल चमकता हुआ यहाँ रेडर खड़की के स्टेडियम में जो कि काफी अच्छा ढंग से और यहाँ सिंगल गए डुबकी लगाया 1 अंक और यहाँ मिलेगा छत्तीसगढ़ को 2 डिफेंडर बाहर जाएंगे। इसके बाद मैच हो रहा है ध्यान देंगे शतरंगी 750 सब्जी टोला के बाद खामी हर टोला टीम कैप्टन आप तत्काल अपडेट अप हो जाए कोर्ट के आस पास पहुंच जाए और आगे कुशाम जी शतरंगी अपनी टोला और हर टोला सुपर टैकल अभी ये देखिए बिल्कुल एकदम छत्तीसगढ़ डांसर करते हैं ना इस तरह से बढ़िया इनकल होस्ट किया है और 30 सेकंड तो पूरा ले जाएंगे पर देखना होगा बिल्कुल आसान नहीं होगा और शानदार एक अंक और यहाँ 2 अंक जरूर मिलेगा यहाँ पूरा डांस का नजारा पेश किया है छत्तीसगढ़ के लिए तो 2 अंक जरूर यहाँ मिलेगा छत्तीसगढ़ को चेपर आने को 7-5 बढ़िया शानदार यहाँ नजारा पेश किया है क्रिकेटर टैकल बहुत सुंदर ढंग से किया है हफ्सा ए मध्य प्रदेश और यहाँ पीछा किया था जरूर अब यहाँ और यहाँ शानदार टैकल चर्रा हो रहा है चर्रा जान था चर्रा रगड़ रगड़ के मार शानदार यहाँ नजारा पेश करते हैं दोनों ही टीम के खिलाड़ी जो कि शानदार टैक और यहाँ तो टच करने का प्रयास यहाँ रेडर के द्वारा और यहाँ देखे बिल्कुल उछाल के यहाँ जरिए 1 अंक और मिलेगा यहाँ लास्ट खिलाड़ी यहाँ भक्सा के कोर्ट में है बराबरी का टीम है किसी टीम को अपन कमजोर नहीं समझ रहे हैं भक्सा टीम भी अच्छा अपना प्रदर्शन करते हुए यहाँ देख रहे हो 60 डिफेंडर कोर्ट में छत्तीसगढ़ के सीजी जो कि विजेता टीम निंगड़ी और यहाँ बोनस का ट्राई यहाँ किया है पर ऐसा हुआ नहीं ऐसा लग रहा है पर रेफरी अपन तो अपन बता सकते हैं पर रेफरी है उसके लिए सक्षम और बिल्कुल ये देखिए लास्ट डिफेंडर है
और वापस होने के कगार में है रेडर। बोनस यहाँ जरूर मिलेगा, एक अंक जरूर मिलेगा यहाँ भापसा को। तो 693 अंक अभी भी आगे ये पर आने छत्तीसगढ़। इसके बाद हर्रा टोला वर्सेस 17750 अंतिम टोला, खानी हर्रा टोला वर्सेस 17750 अंतिम टोला। दोनों ही टीम के खिलाड़ी कम समय में पहला सेट प्रगति पर है यहाँ। और यहाँ देखिए आसानी के साथ टेकर, समझ नहीं पाए थे रेडर। हेलो, लगभग डेढ़ मिनट का खेल बाकी है और यहाँ बहुत कम समय है, डेढ़ मिनट ही शेष है। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 रेड होंगे। यदि पूरा 30-30 सेकंड यदि रेड करते हैं तो 3 रेड होंगे, नहीं तो यदि कम समय यदि लेंगे तो 4 रेड हो सकते हैं। और 13-6 में मैच चलता हुआ काफी अंकों से यहाँ आगे चेपरानी छत्तीसगढ़, जो कि काफी दूर से चलकर आए हैं, इनको कुछ ना कुछ कला दिखाना ही होगा। और एक प्रो कबड्डी प्रतियोगिता जो और यहाँ शानदार टेकअप, जो कि गोरवाना चैंपियन प्रो कबड्डी प्रतियोगिता खड़की में जो चल रहा है, यहाँ का जो सिस्टम है मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कई गांव में हम देखते हैं गांव से बढ़कर बरात नहीं होता वाला कहानी चलाते हैं, गांव के जो कभी कबड्डी नहीं है वो भी फाइनल खेलते हैं। मैं बहुत जगह देखता हूँ तो मैं यहाँ खड़की ग्राम में कभी देखा नहीं जो अच्छा प्रदर्शन करता है। पूल वाई भी यदि बांट देते हैं तो सही टीम बांटते हैं और सही टीम यहाँ फाइनल पहुंचता है, ये मैं जरूर देखा हूँ। और ये मैं कह सकता हूँ अजय सानिया भी जाए तो बेहतर है, क्योंकि खिलाड़ी खेल के यदि फाइनल क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल पहुंचते हैं तो मजा आता है दर्शकों को भी और हमारे अधिकारी को भी। और यहाँ देखिए एक टैकल और होता हुआ, कई गांव में ऐसे भी देखे हैं जो कि फर्स्ट वहां टूर्नामेंट कराए हैं और वो लास्ट रेड होगा, लास्ट रेड अंतिम रेड यहाँ छत्तीसगढ़ की ओर से, जो कि मजा नहीं आता लास्ट में, जो कि ऐसे टीमों को पहले से बाहर हो जाते हैं। और यहाँ देखना होगा बाहर गया है यहाँ, जो कि बिना टच किए आप लाफी में नहीं जा सकते, समय समाप्त होता हुआ। दूसरा सेट की पहला रेड चेपरानी छत्तीसगढ़ की ओर से। और मैं चाहूंगा इसके बाद खानी हर्रा टोला वर्सेज 17750 के मैच होना है। इसके बाद उदरी सी गुड़वाना सपूत 750 मुढ़िया कला के मध्य मैच होना। मैं चाहूंगा आगे का आपको देखा हाल हमारे महंत प्रस्ते जो महत्व से चलकर आए हैं वो आपको देखा हाल सुनाएंगे। धन्यवाद प्रस्ते जी। धन्यवाद कुसाम जी। वही हमारे मेहमान टीम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया तो चेरा पानी चेतरानी बन रहा और भक्सा साहब तो काफी अच्छी स्थिति में छत्तीसगढ़ हमारी मेहमान टीम की लगाने का जरूर प्रयास किया था। जर्सी नंबर 2 रनिंग हंड करने का प्रयास जरूर, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर, लेकिन अभी भी उनके पास काफी समय है, 7 मिनट का। और ये एक पॉइंट बनेगा, तालियां हो जाए जबरदस्त, काफी 7 मिनट है, 2 पॉइंट मिलेगा भापसा को, 2 लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, भापसा 9 और चेपरानी छत्तीसगढ़ 15। तो काफी अच्छी स्थिति में अभी छत्तीसगढ़, और वही मध्य प्रदेश की टीम को काफी रिकवर करना पड़ेगा, लेकिन सिंगल टैकल आपको बहुत पीछे ले जाएगा और बार बार अगर आप ऐसी गलतियां अगर दोहराएंगे तो बिल्कुल आप जो है रिकवर नहीं कर पाएंगे। आपके पास पर्याप्त समय है, अभी लगभग लगभग 1 मिनट का खेल हुआ है, अभी लगभग 6 मिनट का खेल आपके पास रिकवर करने के लिए। 16 जा पहुंचा छत्तीसगढ़ 5 डिफेंडर कोर्ट पर। और वहीं मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो पिछले साल दुर्गेश नेताम का जो सेलेक्ट हुआ है इंटरनेशनल गेम में, जो कि यूपी योद्धा से उनको 9 लाख में खरीदा गया था, तो मैं एक बार छत्तीसगढ़ के युवा साथी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वही जो खेल का हुनर है छत्तीसगढ़ के जो काफी अच्छा है, और उसके दुर्गेश नेताम के जो छोटे भाई हैं वो भी काफी अच्छे मैच खेलते हैं ये प्रो कबड्डी का। तो 6 बोनस पॉइंट 17 जा पहुंचा स्कोर, काफी अच्छी स्थिति में अंकिता है रेड पर, लेफ्ट कॉर्नर रन दबाने का प्रयास जरूर है, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर स्लिप मारने का जरूर प्रयास, दोनों काफी अच्छी सूझबूझ से, ज्यादा रिस्क जोखिम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है छत्तीसगढ़ को, क्योंकि हमारे मेहमान टीम है। और 1 पॉइंट ले गए, 10 जा पहुंचा स्कोर भापसा का, अभी भी 7 अंकों से आगे, 6 डिफेंडर कोर्ट पर, बोनस ऑन है जर्सी नंबर 7, आराम से उनको मालूम है काफी आगे निकल चुके हैं, ज्यादा जोखिम रिस्क लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगा छत्तीसगढ़ को, क्योंकि छत्तीसगढ़ से वो खेलने मध्य प्रदेश आए हैं तो उन्हें भी बिल्कुल जल्दबाजी जोखिम
बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल स्टार्टिंग में ही काफी अच्छा उन्होंने अपने आप को इजाफा कर दिया है। विकलांग माने का जरूर प्रयास है, राइट क्वार्टर लेफ्ट क्वार्टर रनिंग फिटनेस करने का जरूर प्रयास लगातार हम गीत को, लेकिन अभी भी कामयाबी नहीं। 10-17 अभी भी बरकरार और वही रेड पर चेसी नंबर 7 छत्तीसगढ़ के बोनस ऑन है, लेकिन उनको तो बिल्कुल इस तरीके से रिस्क लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो 30 सेकंड पूरा निकालना चाहेंगे कोर्ट पर और बोनस का जरूर प्रयास किया था, पर तो एक पॉइंट आसान इसलिए आए। और अच्छा जर्सी नंबर जो अंकित है, जर्सी नंबर 9 स्टार रेडर ने अपने ढपसा टीम के उनको शिकार बनाया है वो, और उनको ज्यादा देर तक अगर बाहर बैठाए रहेंगे तो काफी फायदा मिलेगा छत्तीसगढ़ को। और वैसे छत्तीसगढ़ 8 अंक से अभी भी आगे है, 10-18 से चलता हुआ स्कोर, ये अच्छा टैकल, सुंदर टैकल, आसानी से टैकल हो गए वो, ऐसा लगता है। छत्तीसगढ़ 19-10 तो काफी अच्छी स्थिति में, सुपर टैकल और नहीं है अभी, 4 डिफेंडर कोर्ट पर, राइट क्वार्टर लेफ्ट क्वार्टर चेसी नंबर 7 से पाने का जरूर प्रयास, और 1 पॉइंट और मिलेगा आसानी से, 1 पॉइंट और ले आए, 20 या पहुंचे स्कोर, 10-20 एक पता दो से चलता हुआ है मैच, तो छत्तीसगढ़ काफी अच्छी स्थिति में, 10-20 में चलता यह मैच। चेसी नंबर 1 आए हैं रेड पर, बोनस ऑन है, बोनस लेने का लगातार प्रयास है, राइट क्वार्टर लेफ्ट क्वार्टर सिंगल टैकल, महंगा पड़ेगा लेकिन आप हल्के में ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप काफी आगे निकल चुके हैं, 9 अंक आगे हैं, 11-20 से चलता हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मध्य प्रदेश की बात अगर करूं मैं तो लगातार एक एक पॉइंट से कुछ होने वाला नहीं है, 1-2 सुपर रेड करना होगा, अगर रिकवर करना है तो एक और पॉइंट मिलेगा छत्तीसगढ़ को, 21 से पहुंचा स्कोर, तब तक देर हो चुका होता है, समय निकलता जा रहा है। हेलो, लगभग 2 मिनट का खाली खेल बाकी है अभी तक, और 2 मिनट का खेल बाकी है, 4 या 5 रेड हो सकते हैं, जो 4 या 5 रेड में अगर कोई चमत्कारी गेम हो या ऑल आउट होंगे, 2 में से 1 तो निश्चित लग रहा है, और यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैच है, और 1 पॉइंट आसानी से ले गए, और ऑल आउट के नजदीक मध्य प्रदेश की टीम उतनी ही मजबूत स्थिति में, छत्तीसगढ़ 23 जब पहुंचा स्कोर, और ऑल आउट के नजदीक, और ये ऑल आउट बक्सा मध्य प्रदेश, 3 पॉइंट और मिलेगा, 26 जब पहुंचा स्कोर, तो मुझे ऐसा लगता है प्रशांत जी सिर्फ औपचारिकता ही रह गया है मध्य प्रदेश के लिए, काफी नर्वस हो गए, और मुझे ऐसा लगता है तालमेल की साफ साफ कमी दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश की टीम में, लेकिन हौसला नहीं खोना चाहिए, हौसला बुलंद रखना चाहिए, और 1 पॉइंट और ले गए, 27 जब पहुंचा स्कोर, तो धीरे 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 पतझड़ की तरह एक एक पॉइंट ले जाते जा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के लिए मैं एक से याद आ गया प्रसाद जी, जिसके पास सब कुछ होता है उसे दुनिया हंसती है, जिसके पास सब कुछ होता है उसे दुनिया जलती है, जिसके पास कुछ नहीं, और 11 काफी अच्छी स्थिति में, लगभग 1 या 2 रेड और होंगे, समय समाप्त होगा, 2-3 रेड और लगभग लास्ट रेड और आखिरी रेड, वॉचमैन आखिरी रेड, और वही जीत की खुशबू, और छत्तीसगढ़ दोनों कंधे से कंधा मिलाकर, और मेहमान टीम का स्वागत एक बार तालियां हो जाए जबरदस्त छत्तीसगढ़ विजय के लिए, हमारे जो मेहमान टीम है छत्तीसगढ़ से आए, तो मैं प्रशांत जी ऐसे होनहार खिलाड़ी की बात कर रहा था, दुर्गेश नेताम का, उसके छोटे जो ब्रदर हैं वो भी काफी अच्छा खेलते हैं, तो दुर्गेश नेताम जिस गांव से बिलोंग करते हैं, तो और उनका जो यूपी होता टीम में